अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद अली शाह। इम्पोर्टेंट खबर ये है कि अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने एक ट्वीट किया। इस वक्त वो ट्वीट मेरे सामने है। जाम साहब ने कहा कि इंशाल्लाह एहतराम के साथ छोड़ना चाहूंगा। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है, एहतराम के साथ इस्तीफा दूंगा। ये नहीं कहा कि अभी दूंगा, रात को दूंगा, मिडनाइट दूंगा, सुबह सवेरे दूंगा, कब दूंगा, टाइम कोई नहीं बताया। लेकिन मेरे सामने जो जाम साहब की वर्डिंग है, अल्फाज है, इंशाल्लाह एहतराम के साथ छोड़ना चाहूंगा और खराब हुक्मरानी की तश्कील के साथ साथ इनके मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा, इनके मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा। बात क्लियर है, अपोजिशन और नाराज अरकान, जाम कमाल खान का वही इशारा है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने जाम साहब से कोशिश की बात करने की, तो उसने सिर्फ मुझे यह कहा कि देखा जाएगा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तो यह अहम खबर है, मैंने जरूरी समझा कि वो आपसे शेयर करूं। कल 25 अक्टूबर को स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुदूस बिजनजो ने बलूचिस्तान असेंबली का इजलास तलब किया है। 40 सरकार ने कल रात को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से इस्तीफे का मुतालबा किया। अब यह इंपॉर्टेंट खबर, ये आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इत्तेहादी जमातों के इजलास की सदारत की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, साथ ही जमहूरी वतन पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर्स थे वो भी उसमें शरीक थे। इस वक्त एक असाब की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, अब प्लान बी पे काम हो रहा है। जाम साहब का जाना जो है मेरे ख्याल में अब नागजीर हो गया है, बल्कि जाम साहब ने खुद ऐलान किया है कि मैं एहतराम के साथ छोड़ना चाहूंगा, ये वर्डिंग है उनकी। अब बात यह कि जो दूसरा कैंप है, अब लड़ाई वहां पर है, कुदूस बिजनजो, साथ ही अपोजिशन के अरकान और जो बीएपी के नाराज अरकान है वो वहां पर बैठे हुए हैं। अब जाहिर है वज़ीर आला का जो पोजिशन है, इस पोजिशन पर आने के लिए अब 4-5 कैंडिडेट जो है वो भी सामने आ रहे हैं। सर फहरिस्त तो आपको पता है कि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुदूस बिजनजो है, इसके अलावा साबिक वज़रा आला मीर जान मोहम्मद जमाली, सरदार साले बोतानी, ये भी उम्मीदवार है। आज मैंने नाम बड़ा स्ट्रोंगली सुना नौबजादा तारिक मक्सी का भी, उन्होंने इस तरह का कोई उनका कैंप नहीं है, लेकिन मैंने कल सुना कि कल कुदूस बिजनजो की रिहायशगाह पर दो नाम डिस्कस हुए, कुदूस बिजनजो साथ ही नौबजादा तारिक मक्सी। और इसके अलावा मकरान केज से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर खजाना बलूचिस्तान जहूर बुलेदी का नाम भी सामने आ रहा है। इस वक्त पोजीशन एक है, नाम पांच है, मैं दोबारा जरा गिनवाऊंगा। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुदूस बिजनजो, साबिक वजीर खजाना बलूचिस्तान मीर जहूर बुलेदी, साबिक वज़राए आला सरदार साले बोतानी, मीर जान मोहम्मद जमाली और नवाबजादा तारिक मक्सी। अब कौन बनेगा बादशाह बलूचिस्तान, ये कहना कबल वक्त है। आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर करना था। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।